गुड मॉर्निंग। आज अपन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या आर्थिक भूगोल का अगला चैप्टर उसका अध्ययन करेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश या इसको पेरी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसके विशिष्ट लक्षण, ये मुख्यतः मध्य अक्षांशों तथा महाद्वीपों के भीतरी भाग में स्थित होते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की अपेक्षा यहाँ वर्षा की अल्पता या कम मात्रा पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में ग्रीष्मकालीन से शीतकालीन ऋतु के मध्य तापीय दशा में पर्याप्त परिवर्तन पाया जाता है। अल्फा अल्फा या रिजक जैसी पोषक घास उपज एक सामान्य वनस्पतिक रूप में यहाँ पैदा होती हैं। घास के मैदान में अधिकांशतः घास उपज एक फूस तथा कुछ झाड़ियों के रूप में भी दृष्टिगोचर होती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान विश्व में विशिष्ट पशुचारण के क्षेत्र जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी मध्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र तथा ग्रेट ब्रिटेन का मूडलैंड क्षेत्र है। इसके अलावा इसका प्रमुख विस्तार यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। यूरेशिया में इसका विस्तार काला सागर के तट से लेकर 3000 किलोमीटर पूर्व अल्टाई पर्वत तक है। उत्तरी अमेरिका में इसका विस्तार रॉकी के पर्वतीय भाग से लेकर मान झील प्रदेश तक है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में मुख्यतः इसकी जलवायु में महाद्वीपों के भीतरी भाग में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल प्रकार की है। तापमान की अत्यधिक विषमता एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जाड़े में तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। दक्षिण गोलार्ध में तापमान हिमांक से नीचे नहीं जाता है और यहाँ तापांतर भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की प्रमुख विशेषताएं, वर्षा की कमी के कारण इस प्रदेश की मुख्य वनस्पति घास ही है। इस घास के मैदानों को यूरेशिया या यूरोप प्लस एशिया में स्टेपी के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट्स के नाम से जाना जाता है या फिर डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। हंगरी में इसके पुस्तजा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रदेश में अधिक वर्षा होने के कारण लंबी घनी घास पाई जाती है, जबकि यूरेशिया के स्टेपी में कम वर्षा होने के कारण छोटी वे बिखरी घास मिलती है। सवाना प्रदेशों की तुलना में ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास छोटी और मुलायम होती हैं। अतः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान विश्व के अलग अलग महाद्वीपों में इस प्रकार से हैं। नंबर एक, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का कनाडा या फेरी प्रदेश तथा मेक्सिको में राकीज के पूर्व ढाल पर विशेष प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। मान झील प्रदेश यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। फाइव फिंगर लेक्स के नाम से जाना जाता है। 5 प्रमुख जिलों के नाम से भी जाना जाता है जहाँ इस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, जहाँ पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। छोटी छोटी घास पौष्टिकता के साथ पशुपालन के लिए विख्यात है। यहाँ उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः मांस वाले मवेशी वर्तमान में दक्षिण पूर्वी यूएसए में पालन किया जाता है, जैसे सूअर पालन प्रमुख रूप से। सूअर पालन के लिए मक्का की कृषि की जाती है और विश्व प्रसिद्ध मक्का की पेटी यूएसए में ही आपको पता है। टेक्सास एडवर्ड पठार पर भेड़ पालन तथा अंगोरा नस्ल की विश्व प्रसिद्ध बकरी का पालन मांस के लिए भी यूएसए में किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा की नस्ल आपके बार पूछा जाता है कौन से देश में, तो यूएसए में है। समस्त मवेशी प्रकार का एरिजोना, ओरेगन पठार, पर्वतीय घाटियाँ तथा सिंचित जिलों में पशुपालन किया जाता है। विशुद्ध रक्त नस्लें मक्का आहार, रेफ्रिजरेशन, आधुनिक पैकिंग सेंटर, रेल परिवहन की सुविधा, विस्तृत फार्म हाउस जैसी अनुकूल दशाएं विद्यमान है। जिस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ट्रक फार्मिंग के द्वारा भी या इसका उपयोग किया जाता है, तो उच्च स्तर की सुविधा होने के कारण या पौष्टिकता होने के कारण या विशेष प्रकार का पशुपालन इस घास के मैदानों में किए जाते हैं। मेक्सिको के मध्यवर्ती भाग में सेकंद्रन व उत्तर में प्राकृतिक घास व झाड़ी आधारित चारण होने के कारण 90% मवेशी स्थानीय तथा अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग निर्धारित करते हैं। अतः मेक्सिको में अधिकांश पशुपालन
स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रबलता देने के लिए या स्थानीय जो मांग है उसकी पूर्ति करने के लिए इसका पालन किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय पशु चारे या वाणिज्यिक क्षेत्र प्रमुख रूप से इस संकेत के रूप में दे रखा है जो दक्षिण में है, जिसमें प्रमुख रूप से अर्जेंटीना के पंपास, पराना, पेरागुए की मध्य निम्न भूमि, पश्चिमी शुष्क मैदान के पर्वत तथा दक्षिण स्थित पेटागोनिया का पठार। स्थलाकृति के आधार पर वे बाजार में पशुचारण दशाएं भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ भी पशुपालन किया जाता है। अर्थव्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण है यहाँ का पशुपालन। विश्व का 1/3 मांस और लगभग 72% मटन व 9% ऊन यहाँ से निर्यात किया जाता है पशुपालन के द्वारा। पेम्पा या 1/3 भेड़ व मवेशी अल्फा अल्फा द्वारा पोषित होती हैं। यहाँ विशेष पौष्टिक घास अल्फा अल्फा जिसे पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण मानी गई हैं। विशाल स्टेंसिया पर उत्तम पशु नस्ल विकसित किए जाते हैं। स्टेंसिया ये फार्म हाउस होते हैं जहाँ पशुपालन किया जाता है, पशुओं को रखा जाता है, इसको स्टेंसिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुख्यतः सुविकसित रेफ्रिजरेटर युक्त चिलियान, आधुनिक पशु काटने के संयंत्र जैसी सुविधाएं प्रतिकूल दशाओं के अंतर्गत प्राय अकाल की स्थिति तथा पशुओं पशु रोग के संकट हो सकते हैं। यहाँ सुविकसित रेल की सुविधा होने के कारण साथ साथ में आधुनिक पशु पालने के विभिन्न प्रकार के जो औजार है, यंत्र है या आधुनिक विधियाँ हैं उसका उपयोग करके यहाँ पशुपालन किया जाता है। यहाँ मुख्यतः दक्षिण अमेरिका के पेटागोनिया का पठार यहाँ पशुपालन किया जाता है। वर्षा यहाँ सामान्य व अल्पता व परिवर्तनशीलता के कारण चारा उपज अल्प तथा विरल पशुचारण होता है। यहाँ मुख्यतः पशुओं में मवेशी, भेड़, घोड़े, खच्चर आदि का पालन किया जाता है। पेटागोनिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की कंटीली झाड़ियाँ व वनस्पति पर बकरी चारण अधिक किया जाता है। दक्षिणी पेटागोनिया में टेरा डेल फ्योगो तथा फोकलैंड पर मेरिनो भेड़ ऊन प्राप्ति हेतु विश्व प्रसिद्ध मानी गई है। इरागे वे दक्षिणी ब्राजील पशुचारण प्रमुख क्रिया। यहाँ इरागे के कुल निर्यात का आधा अंशदान केवल ऊन से प्राप्त होता है, महत्वपूर्ण बात है। पशुओं का प्रमुख आधार या आहार जई या मक्का है। निम्न मांस कोटि अतः कम उन्नत उद्योग यहाँ विकसित हो रखे हैं। चारे उपज में कमी है। चारागाहों पर अतिचारण की क्रिया यहाँ क्रियाशील है। उपरोक्त अतिरिक्त क्षेत्र में पशु रोग की भी व्यापकता विद्यमान है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के क्विंसलैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया के डाउन्स में प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। यह मानचित्र में आप ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड का मैप दे रखे हैं। डाउन्स देश की अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय आय के विशेष योगदान हैं। क्षेत्र में पशु उद्योग हेतु वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था है। भेड़ विशाल फार्म हाउस जिसे स्टेशन के नाम से जाना जाता है उसमें पाला जाते हैं। जिस प्रकार से स्टेंसिया व स्टेशन ये प्रमुख फार्म हाउस है जहाँ पशुपालन या पशुओं को रखे जाते हैं। 3/4 से अधिक दक्षिण व दक्षिण पूर्वी तटों के निकट यहाँ पशुचारण किया जाता है। संपूर्ण निर्यात का 60% भाग, जिसमें 40% भाग ऊन, 19% भाग मांस, विश्व का लगभग 46% मांस का निर्यात ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करते हैं। ऊन तथा 21% भाग गौ मांस का भी यहाँ निर्यात किया जाता है। न्यूजीलैंड विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। 90% भूभाग पर घास के मैदान है जहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। 4,60,00,000 भेड़ यहाँ का पालन किया जाता है। 60,00,000 गाय बैल के रूप में पालन किया जाता है। 90% अन्य पशु पदार्थों को निर्यात यहाँ से प्राप्त होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को वेल्ट्स के नाम से जानते हैं जो मानचित्र में दे रखा है। काराकुल किस्म की भेड़ का पालन बहुतायत रूप से मांस के लिए किया जाता है। छोटी बड़ी घास 1,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। मोर है ऊन देने वाली विश्व प्रसिद्ध बकरी का पालन यहाँ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। विश्व का तृतीय वृहत्तम मोहरा उत्पादक देश है या ऊन उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका। ग्रेट ब्रिटेन के मूडलैंड क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध पशुचारण है। यूके में पशुचारण का केंद्र बिंदु मवेशी, भेड़ तथा सूअरों का मांस प्राप्ति हेतु प्रजनन, दो प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता है, भोजन प्राप्ति के लिए बारवाक के रूप में। एल्विडीन में 35% शान द्वारा मांस प्राप्ति द्वारा तथा 44% भेड़ पालन ऊन प्राप्ति हेतु किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।